वालेकुम। इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो आप लोगों को सेंड किया जा रहा है ECET के स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोग जो है वो लाइव क्लास के अंदर आने से पहले इस वीडियो को देख लें, और इस वीडियो के ज़रिए जो मुझे बेसिकली समझाना है वो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेन ही आती है कि भाई हमें लाइव लेक्चर के दौरान समझ नहीं आती चीज़ें। मैंने ये टैक्टिक चूज़ किया है कि मैं पहले एक रिकॉर्डेड वीडियो जो है अपने YouTube के चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग ये वीडियो जो है अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें। उसके बाद हमारा मेरी कोशिश ये होती है कि उसी वीडियो को हम लोग लाइव लेक्चर के अंदर डिस्कस करके उसके बाद आपको टास्क जो है वो मैं असाइन कर दूंगा, ठीक है। अब कर बेसिकली रहे हैं कि हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, क्योंकि ये लैब हम लोगों ने क्लास में की थी, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, मेजॉरिटी से मरा दिए है अराउंड 80% ऑफ द क्लास वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद दिस लैब एंड दे वर नॉट एबल टू गिव मी द एग्जैक्ट रिजल्ट दैट आई वॉन्टेड। तो इसी वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लैब हम एक दफ़ा वापस करें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल लैब्स इन ECET, जिसमें हम लोग कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्विकली मैं क्या करूँगा, क्योंकि काफ़ी हमारे बीच में क्लासेस मिस हो गई हैं, वेकेशंस हो गई हैं, तो जस्ट टू गिव यू अ वेरी क्विक रीकैप अबाउट व्हाट यू हैड प्रीवियसली स्टडीड, ठीक है। प्रीवियसली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मेरे पास, जैसे आप देख भी रहे हैं यहाँ पर, मेरे पास जो पहला कॉन्सेप्ट जिसमें शो किया हुआ है, जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू PN जंक्शंस डैट आइदर म्यूचुअली शेयर अ P जंक्शन और एन N जंक्शन, हेंस फॉर्मिंग एन अ PNP और एन NPN ट्रांजिस्टर। बेसिकली मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली दो PN जंक्शंस को सीरियली कम्बाइन, सीरियल मतलब सीरीज में कम्बाइन, जब हम दो करेंगे PN जंक्शंस को, तब मेरे पास एक ट्रांजिस्टर बनता है, बशर्त ये कि मेरे पास जो मैंने सीरियल कॉम्बिनेशन किया हुआ है उसमें आया P रीजन या N रीजन दोनों तरफ से म्यूचुअली जब शेयर होगा तो या तो NPN बनेगा या PNP बनेगा, जो इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर शो किया गया है। मैंने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली एक NP या PN जंक्शन ये रहा, दूसरा PN जंक्शन ये रहा, इसके अंदर मैंने इसका P रीजन और इसके P रीजन को म्यूचुअली जब कंबाइन किया तो आई विल गेट एन NPN ट्रांजिस्टर एज अ रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये मेरे पास हमने देख लिया कि मेरे पास एक सिंपल ट्रांजिस्टर एज अ सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू PN जंक्शंस शेयर्ड इन अ स्पेशल वे। अच्छा, अब आ जाएं, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे पास इस तरीके से क्या होगा कि किस, हमने ये देख लिया कि किस तरीके से एक ट्रांजिस्टर फॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, ट्रांजिस्टर के बेसिकली अगर हम बात करें तो तीन रीजन्स होते हैं ऑपरेशन के ट्रांजिस्टर्स के, ठीक है। एक्टिव रीजन होता है, सैचुरेशन रीजन होता है और कट ऑफ रीजन होता है। एक्टिव रीजन के अंदर मेरे पास मेरा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा होता है, जहाँ पर करंट की एम्पलीफिकेशन एज वेल एज वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन हो रही होती है। सैचुरेशन के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था कि मेरे पास सिर्फ एज अ क्लोज स्विच काम कर रहा है, और क्लोज स्विच के अंदर जो मेरे पास आउटपुट करंट है IC दैट इज इक्विवेलेंट टू IC सेट। और कट ऑफ रीजन में मेरे पास ट्रांजिस्टर एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा होता है, ओपन सर्किट के अंदर, क्योंकि जब पाथ ओपन है तो देर विल बी नो करंट, तो IC विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर, ठीक है। तो ये तीन रीजन्स हैं जो हम लोग ट्रांजिस्टर के पढ़ते हैं, जो आप लोग पढ़ भी रहे हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो ये बेसिकली क्विकली आपको रिवाइज कर देगा कि आपके पास कौन कौन से रीजन्स हैं। फर्दर अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कलेक्टर, बेस और इमिटर, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास तीन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जिससे मैं ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मेरे पास डिपेंड करती है कि आपके पास आपकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि मेरे पास ट्रांजिस्टर या तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा या करंट को एम्पलीफाई करेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन वी हैव थ्री डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज़ वेल नोन फॉर प्रोवाइडिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेन, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि इट प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज गेन बट इट हैव नो करंट गेन, करंट गेन को नहीं देगा ये। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो कि वाइडली यूज किया जाता है, ये करंट का गेन भी देगा और वोल्टेज का गेन भी प्रोवाइड कर रहा होगा। तीसरा जो है वो है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर ओनली प्रोवाइड्स करंट गेन। अब हमारी एप्लीकेशन जो है
ये मोस्टली इन्वॉल्व करती है बोथ वोल्टेज एंड करंट गेन। इसीलिए इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कॉन्फ़िगरेशन है, डैट इज़ योर कॉमन इमिटर, ये वाइडली यूज़ की जाती है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसी को हम प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखा कि मेरे पास अगर कॉमन इमिटर की टर्म की मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूँ, तो कॉमन इमिटर का लफ्ज़ जिस तरीके से है, इमिटर इज़ कॉमन टू बोथ द इनपुट एज वेल एज द आउटपुट, या अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मैंने क्या किया हुआ है, इमिटर को किया हुआ है ग्राउंड या ज़ीरो वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। तो होगा ये कि मेरे पास ये टर्मिनल जब ग्राउंड हो गया तो इट विल बी शेयर्ड बिटवीन द इनपुट डैट इज़ अप्लाइड ऑन द बेस एंड द आउटपुट डैट इज़ एट द कलेक्टर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैंने समझा दिया कि कॉमन इमिटर का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ें तो हमने देखा कि मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बायसिंग का। बायसिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी क्रूशल सब्जेक्ट इन ECD, क्योंकि बायसिंग का मतलब ये है कि मुझे अपने ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स पे कुछ सर्टेन वोल्टेजेस प्रोवाइड करने हैं या इसको मुझे एक्साइट करना है, ठीक है। बायसिंग के साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है DC लोड लाइन का। DC लोड लाइन जैसे आपके सामने यहाँ पर शो भी की गई है, इसके अंदर तीन पॉइंट्स हमारे कंसर्न के होते हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और इसके दरमियान में ये जो पॉइंट्स यहाँ पर इनफाइनाइट या फाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस पॉइंट इज़ माय कट ऑफ पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज तो मैक्सिमम है बट करंट IC इज़ ज़ीरो। दिस इज़ माय सैचुरेशन मोड, क्योंकि यहाँ पर करंट मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है बट वोल्टेज मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने पॉइंट्स आ रहे हैं, चाहे ये ऑल ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स द एक्टिव रीजन जहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो रही होती है। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स पर स्टेबल एम्पलीफिकेशन नहीं हो रही, इन सारे के सारे पॉइंट्स में से सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट वो वाहिद पॉइंट है जहाँ पर मेरे पास स्टेबल एम्पलीफिकेशन हो रही होती है, क्योंकि क्यू पॉइंट इज कॉल्ड क्यूसेंट पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड माई क्यूसेंट पॉइंट। क्यूसेंट इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। अगली बात समझ, तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी भी है कि मेरे पास क्यू पॉइंट क्या होता है। अब क्यू पॉइंट को डिटर्मिन अगर करना है तो इसके लिए हमने देखा कि वी नीड टू बायस आर ट्रांजिस्टर, और हमें पता है कि बायसिंग की हमने तीन डिफरेंट टेक्निक्स अपनी क्लास के अंदर या लैब के अंदर डिस्कस की हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो हैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। पहले मेरे पास कौन सी है, पहले मेरे पास है बेस बाइस, दूसरी मेरे पास है वोल्टेज डिवाइडर बाइस, और तीसरी मेरे पास है इमिटर बाइस। ये तीनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तीनों टेक्निक्स का फाइनल या एंड प्रोडक्ट एक ही है कि ये हेल्प करती हैं क्यू पॉइंट की एस्टेब्लिशमेंट में। और हर एक की साइड से बात है कि एक दूसरे से हर एक के ऊपर थोड़ी सुपेरियोरिटी होती है, इसमें से ये बेहतर है, इसमें से ये बेहतर है, ठीक है। बात ये समझ आ गई। अब मेरे पास जो नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को और मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। तो अब आप लोग इस वीडियो को मैं एंड करके अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ मैं जाऊँगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो को आप गौर से देखिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई।